मेरा ये संदेश किसान लीडर चौधरी टिकेट सिंह और दूसरे और तमाम लीडरों संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम लीडर्स और इस संघर्ष में शामिल लाखों किसान भाई और बहन नौजवान बेटे और बेटियां उनके लिए है मैं खास तौर पर टिकेट सिंह को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उनकी बहादुरी पर उनके कमिटमेंट पर उनकी भावुकता और उनके आंसुओं पर इस अवसर पर यह याद दिलाना भी चाहता हूँ कि पूरी हिस्ट्री गवाह है कि आंदोलनों में ऐसे स्टेजेस आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अब कदम उखर जाएंगे हिम्मतें पस्त हो जाएंगी और लोग पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे असल में लीडरशिप की काबिलियत का परीक्षा और इम्तहान ऐसे ही मौक़ों पर होता है कोई शक नहीं कि एक शलयंत्र के नतीजे में एक जबरदस्त साजिश के नतीजे में 26 जनवरी की शाम से 27 और 28 जनवरी की शाम तक खतरे के बादल इस तारीख़ी संघर्ष पर मंडलाने लगे थे गोदी मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था कि आंदोलन ख़त्म और लोग वापस जा रहे हैं यही मौका होता है लीडरशिप की मजबूती के और समझदारी के इम्तिहान का सत्ताईस की रात में जब यह खबर मिली कि संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरशिप की इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसमें ये तय किया गया कि आंदोलन जारी रहेगा हम किसी कीमत पर अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और कुर्बानियां देंगे तब उम्मीद फिर से बहाल हुई और ऐसा लगा कि इस पर पहले इम्तिहान और परीक्षा में हमारी किसान लीडरशिप कामयाब हुई उसके बाद कल 28 की शाम को जिस तरह घेराबंदी हुई जिस तरह आर्म फोर्सेस ने हर तरफ़ से घेर लिया और एक ऐसा माहौल बन गया कि लगने लगा कि शायद कहीं कदम उखड़ न जाए उस मौके पर टिकेट ने अपनी ख़ानदानी बहादुरी का सबूत दिया मैं इस कौम की बहादुरी से बहुत करीब से वाकिफ़ हूँ इस कौम के बहुत बड़े लीडर चौधरी चरण सिंह मेरे बड़े भाई के गहरे दोस्त थे और उनकी बहुत क़दर करते थे और अपने बड़े भाई मरहूम हाफीज़ मेमानी साहब की वजह से हम लोग चौधरी चरण सिंह की ज़ात को उनके सेकुलरिज़म को उनकी धर्म निष्पेक्षता को उनकी बहादुरी और ईमानदारी को और करप्शन से उनकी सख्त दुश्मनी को करीब से देखने वालों में से थे उसी बहादुर कौम के एक फ़र्द हैं हमारे राकेश टिकैट और उन्होंने अपनी कौम की ख़ानदान की रिवायात के झंडे को बुलंद रखा है मैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ विशेषकर राकेश टिकेट साहब से और संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम लीडरों से के किसी कीमत पर वो कदम पीछे न हटाएं थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है झेलनी पड़ेगी लेकिन उसके बाद भारत के इतिहास का एक वर्क पलटेगा और हो सकता है कि वो सपना जो आज़ादी की लड़ाई में हमने और आपने मिलकर देखा था एक कैसे भारत का निर्माण जिसमें सबको बराबर के अधिकार मिले जिसमें गरीबों को सर उठाकर जीने का हक़ मिले जिसमें पूंजीपति गरीबों को लूट न सकें ऐसे भारत की तामीर में ऐसे भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन का होगा बस मैं सिर्फ इसी संदेश को देने के लिए हाजिर हुआ हूँ खुदा करे कि मेरा ये संदेश राकेश टिकेट भाई संयुक्त किसान मोर्चे के दूसरे लीडर्स और उन लाखों भाइयों बहनों नौजवान बच्चों और बच्चियों तक पहुंच सके जो इस वक्त भारत के गरीब गरीबों की नुमाइंदगी करते हुए किसानों और मज़दूरों कि तमन्नाओं को पूरा करने का ख़्वाब दिखाते हुए और उम्मीदें उम्मीदों के जूत जगाते हुए जो इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमा हैं उन सब को खुदा करे कि मेरा ये पैगाम पहुँच जाए और आप जमे रहें आप सबको मोहब्बत भरा सलाम बहुत बहुत शुक्रिया